नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण। मैं आपको आज पीसी के नेट से कनेक्ट होते हुए आपके आईएफएमएस के सारे ऑप्शन, आपके डीडीओ वेरीफायर क्रिएटर और अप्रूवर पे कैसे काम करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। इसके लिए आपको विंडोज 10 या 11 का पीसी होना बहुत ज़रूरी है जिसमें मोबाइल हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी हो। इसके लिए आपको सबसे पहले नेटवर्क या इंटरनेट में आ जाना है। इसमें सारे ऑप्शन आपको देख लेना है, वाईफाई, इथरनेट, वीपीएन, मोबाइल हॉटस्पॉट, एयरप्लेन मोड, प्रॉक्सी, डायलअप, एडवांस नेटवर्क सेटिंग। लेकिन इसमें हमें सिर्फ मोबाइल हॉटस्पॉट पे काम करना है ताकि आपका मोबाइल आपके पीसी से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहले वाईफाई पे इसे सेट करना है, शेयर ओवर और प्रॉपर्टी में जाना है और आपका नेटवर्क का नेम चेंज कर लेना है। जो भी ऑफिस का नाम हो या फिर आपका पर्सनल जो भी आप नाम देना चाहें वो नेटवर्क का नाम आप रख लीजिए। मैं मेरे चैनल का नाम इस नेटवर्क नेम में डाल देता हूँ। इसके बाद पासवर्ड रखना आपको बहुत ज़रूरी है। पासवर्ड आप सेट कर लीजिए। अगर आप पासवर्ड सेट नहीं करते तो कोई भी आपके नेट का गलत उपयोग कर सकता है, इसलिए आप पासवर्ड ज़रूर सेट करिए ताकि आप जिससे कनेक्ट करना चाहते हैं मोबाइल से वो सिक्योरली कनेक्ट हो जाए। अब आपको मोबाइल के नेटवर्क में आना है, वाईफाई में जाके सर्च करना है। ये देखिए, ये मेरा रीनेम किया हुआ वाईफाई शो कर रहा है। अब इससे हमें पासवर्ड डालने के बाद ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपकी कनेक्टिविटी शो होगी और ये देखिए टेक्निकल तरुण वाला राइट क्लिक आ गया, मतलब आपका नेट आपके पीसी पर चालू हो गया, जो आपके मोबाइल पर चालू हो गया जो आपके पीसी से कनेक्टेड था। ये आपका 1 of 8 डिवाइस कनेक्ट हो चुका है, मतलब आपका 1 डिवाइस 8 कनेक्शन में से कनेक्ट हो चुका है। इसमें आप 8 डिवाइस को ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन और टैबलेट, जिसे आपको कनेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। अब आपको गूगल में आ जाना है। सबसे पहले हम CFMS की पुरानी साइट, इसका डोमेन यूज़र आईडी URL 10.5.11.4 था, हम इसे सर्च कर लेते हैं, एड्रेस बार में सही लिख लेते हैं, देखते क्या होता है। CFMS की पुरानी साइट ये खुल गई है। देखिए मोबाइल पर CFMS की पुरानी साइट खुल चुकी है। अब इस पर जो URL दे रखा है हमें IFMS का प्रॉपर URL, जिस पर क्लिक करके हम IFMS की वो साइट जिसे आप मोबाइल से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सिस्टम पे ही चलाते हैं, वो ओपन हो जाएगी। और ये हम URL पे आ जाते हैं, तो चेक कर लेते हैं, इसके बाद इसे क्लिक कर देते हैं। ये क्लिक किया, ये IFMS पैरोडी वाली साइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आप अपना लॉगिन पासवर्ड जो भी क्रिएटर वेरीफायर अप्रूवर का है वो डाल दीजिए। वो चेक करिए कि सारे ऑप्शन चल रहे हैं कि नहीं आपके मोबाइल पर। ये मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ, लॉगिन मैंने डाल दिया, आप पासवर्ड डाल लेते हैं। आपको इसके बाद कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है, फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आपके सामने सारी प्रोसेस हो रही है। अब इसे कैप्चा कोड डालने के बाद हम लॉगिन करके देखते हैं। एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लगता है कुछ पासवर्ड में त्रुटि हो गई है। मैंने मेरा फेस आईडी यूज़ किया और कैप्चा से भी एंटर करते हैं। और ये देखिए पेज ओपन हो रहा है और ये देखिए सारे ऑप्शन इस पे दिखाई दे रहे हैं। एडमिन का ऑप्शन, बजट का ऑप्शन, R&D का ऑप्शन, वर्क लिस्ट, पेंशन के। अभी देखिए आप एडमिन, रोल पोस्ट मैपिंग, हायरार्की मैनेजमेंट, ये सब आप मोबाइल पे ऑपरेट कर पाएंगे। मोबाइल, आईपैड, टैब, लैपटॉप सभी पर बिना किसी कनेक्टिविटी का यूज़ किए सिर्फ आपको मोबाइल हॉटस्पॉट आपके पीसी में होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए वर्क लिस्ट ओपन हो चुकी है। अब आप इस पर कोई भी रिमार्क डाल दीजिए, जैसे मैंने ओके टाइप किया,
अब देखते हैं फॉरवर्ड होगा, देखो फॉरवर्ड पर क्लिक करते ही फॉरवर्ड हो रहा है। अगर हम ओके करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, हमको करना ही है, ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप मोबाइल से कंप्यूटर वाले काम कैसे कर पाएंगे पीसी के नेट को यूज कर कर। कई बार ये होता है कि हमारे पास एक ही सिस्टम है, हम दूसरे सिस्टम जोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जो लाइन होती है लीज लाइन पर चलता है आपका स्वान या वीपीएन, इसलिए हम जोड़ नहीं पाते हैं। पर मोबाइल हॉटस्पॉट को यूज़ करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हम एक क्लेम्स में आ चुके हैं, क्लेम्स में जाकर हम एक बिल क्रिएट करते हैं तो ये बिल्कुल क्रिएट हो जाएगा। अब आप इसमें हेड भी मॉडिफाई कर पाएंगे, ये देखिए मैं हेड चेंज करके देखता हूँ, जो आपको हेड डालना है बिल्कुल सारे ऑप्शन खुल रहा है, आप जैसे चाहे वैसे सेट करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो अमाउंट है उसमें भी चेंजेस करना हो तो आप बिल्कुल बकायदा कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको आपके मोबाइल पर मिल रही है। जिसके लिए आपको अलग से कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका पीसी ही वाईफाई हॉटस्पॉट बन जाएगा। ये फाइल भी आप अटैच कर पाएंगे और इस बिल को सेव भी कर पाएंगे। ये देखिए सारे ऑप्शन दूसरे भी खुल रहे हैं सर्विस मेकर के। आप जीपीए पार्ट एंड फाइनल विड्रॉल भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन हम देखते हैं, मैं आपको जूम इन जूम आउट करके बता रहा हूँ कि ये मोबाइल पर कैसे चल रहा है कि हमने लॉग आउट कर दिया है। तो सारे आपके फंक्शन चल रहे हैं, सीएफएमएस की पुरानी विंडो भी ओपन हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।